क्या बात है, क्या बात है। ले जी, ये इन्होंने इंटरेस्ट बना दिया माशाल्लाह, बड़े बड़े दो शेर ला देते हैं। मैंने सही पहचाना, बच्चों के साथ आके ना चीजें याद होनी शुरू हो गई हैं। ये वो सूजी है, एक ने तो साथ अपना बच्चा भी साथ बैठाया हुआ है। ले जी, प्यारे प्यारे व्यूअर्स देखे, बहुत ये तो हमारी तरफ नहीं आ रहा। वो तेरी खैर, सिंह कितना बड़ा है इसका। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। मैं आपको वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो में। इस टाइम मैं मौजूद हूँ और पीछे मेरा आप देख भी सकते हैं लाहौर जू में। और लाहौर जू है जो पिछले तकरीबन 7-8 मंथ से अंडर कंस्ट्रक्शन था, अब ये ईद पे कंप्लीट हुआ और ओपन हुआ है। और मैंने कहा चले अब जरा चक्कर मारते हैं, ईद पे तो बहुत ज्यादा रश भी था, तो रश के बाद आगे मजा भी आया देखने का ना, मैं आपको लोगों को दिखा भी सकूँ। तो इंशाल्लाह अंदर चलते हैं, क्या चेंजिंग की है, क्या रेनोवेशन की है। और सुना है और मैंने एक दो वीडियो भी देखी है कि माशाल्लाह काफी ज्यादा अपडेट जो कर दी है। तो बाकी इंशाल्लाह आगे चलते हैं, अंदर चलते हैं और आपको मैं जो दिखाता हूँ। अच्छा जी, अंदर एंट्री हमने मार ली है और मेरे पीछे टिकट काउंटर बना हुआ है। टिकट उन्होंने थोड़ी प्राइस बढ़ा दी है, पहले 30 रुपये थी, अब 100 रुपया कर दिया है। देखते हैं जो प्राइस बढ़ाई है वो वर्थ इट भी है कि नहीं। अब 100 रुपये के हिसाब से इन्होंने अंदर चीज़ें भी की हैं। रश चेक करें, ये टिकट काउंटर है और ये आवाम का रश लगा हुआ है। मेरे तो इमरान भाई आ गए थे पहले, उन्होंने टिकट ले ली और मेरा टाइम बचा दिया, तकरीबन उनको भी 1 घंटा लगा। जी इमरान भाई ने टिकट मुझे दे दी है मेरी 100 रुपये वाली। ये जी टिकट तैयार हो रही है जी। नहीं हो रही स्कैन, हो गई हो गई हो गई। चलो 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 ले जी, ये इन्होंने इंटरेस्ट बना दिया माशाल्लाह, बड़े बड़े दो शेर ला देते हैं। और ये आगे हर्ड बनी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त, और आवाम का रश बहुत ज़्यादा है। ये चेक करें, और अगर इस तरफ देखें बोट्स, नीचे थोड़ी छोटी सी नदी बनाई है, बोट खड़ी है लेकिन अभी इतना पानी नहीं है। और ये एंट्रेंस है, लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पे ना। ये मेरे पीछे से एंट्रेंस हो गई है, ये एंट्रेंस बनी हुई है, यहाँ से जैसे अंदर दाखिल हुआ हूँ तो ये व्यू है। इस तरफ ये देखें, एक हाथीगढ़ है। अगर ये कुछ साइंस भी बने हुए हैं। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, टॉयलेट, फूड कोर्ट, लाइन, जू, होलोग्राम, यार ये एक नई चीज़ है। टाइगर और एग्जिट है, और इस तरह जैसे मैंने बताया ये हाथी खड़े हुए हैं, ये वही पुराना इनका जो पहाड़ था वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग आ गई है। और ये सामने आबशर बनी हुई है। मेरा ख्याल है पहले इस तरफ हाथी की तरफ चलते हैं, ये चेक करते हैं ये क्या इन्होंने बना दिया। अच्छा लग रहा है यार। अच्छा ये तो वो सूजी है, ये जो यहाँ की हथनी थी चिड़ियाघर की। अच्छा ये उसका बनाया उन्होंने मुजस्मा। नहीं बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है यार। हाँ ये देखा ना, मैंने सही पहचाना, बच्चों के साथ आके ना चीज़ें याद होनी शुरू हो गई हैं। ये वो सूजी है, अच्छी लग रही है माशाल्लाह, सही मुजस्मा बनाया है। और साथ में तारे शारे लगा दी हैं क्योंकि बच्चों का कोई पता नहीं होता, वो चढ़ के जाए इसके ऊपर ही चढ़ जी। जैसे अंदर एंट्री मारी है तो ये देखें, ऐसे बदमानस लग रहे हैं कि इसलिए जैसे। ये चेक करें, एक ये और दो ये, एक ने तो साथ अपना बच्चा भी साथ बैठाया हुआ है। ले जी, मेरे पीछे आप सब देखें, ये भी इन्होंने नई इंटीग्रेट की है, मसला अच्छी लग रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें, ऊपर से पानी आ रहा है और माशाल्लाह अच्छी लग रही है। इसको भी कुत्ता बिठाएं। ये नीचे जाते हुए ये चेक। ले जी, बंदर बैठे आप देख सकते हैं, कार्टून है। एक ने आंखों पे हाथ रखा हुआ है, एक मुंह पे रखा हुआ है, एक ने कानों पे हाथ रखा हुआ है। एक्चुअल में उसी के पीछे अगर आप देखें, ओह देखें ऊपर एक बंदर खड़ा हुआ है। और ये देखे प्यारे प्यारे बंदर, ये चेक करें। अच्छा ये जो बंदर आपको इतने साफ नजर आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सामने है, ये बीच में ग्लास लगा दिया है। पहले से अपडेट इन्होंने ये कर दिया, यहाँ जाली वगैरह लगी होती थी, अब इन्होंने ग्लास लगा दिया तो जो व्यू है ना वो ज़्यादा अच्छा हो गया। ये चेक करें, ये आके बैठ गया। ये चेक करें, हाय हाय हाय, हेलो। अब ये है कि इसको खाना खिलाना थोड़ा मुश्किल है, ऊपर से फेंकना पड़ेगा, वैसे लोग खाना वगैरह खिलाते रहते थे। ये मेरे पीछे चेक करें, ये पहले जो पुराने ना एंट्री गेट ये हुआ करते थे, अभी एंट्री गेट इन्होंने ये वाले बंद कर दिए हैं। और दूसरी तरफ से जहाँ से मैंने आपको दिखाई है वहाँ से एंट्री हुई है। बाकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी इसका बताता जरूर कि जो चिड़ियाघर है ये किसकी मलकियत थी। ये इन्होंने ये चेक लिखी भी हुई है, लाला मेला राम, उनकी मलकियत थी। उन्होंने
1872 में जो म्यूनसिपल कमेटी है लाहौर की, उसको हैंड ओवर कर दिया था ये वाली जगह जहाँ पे चिड़ियाघर बनाया जाए। ले जी मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, माँ ये कछुए का घर बनाया हुआ है, खुशकी पे रहने वाला कछुआ। और कछुआ साहब तो अंदर घर में ज़रा सुकून फरमा रहे हैं, और एक जो आवारा कछुआ है वो ये बाहर है, ये चेक करें, ये बैठा हुआ है, वो ज़रा छाँव में आराम कर रहा है। और ये वाला जो कछुआ है ये घर के अंदर आराम से बैठ के आराम कर रहा है। ले जी बंदर जानी बैठा झूले ले रहा है मज़े से पिंग के ऊपर, चेक करें। और उसके खेलने के लिए अंदर क्या ज़बरदस्त इंतज़ाम किया है, पिंगे बना दी हैं, उछलने कूदने के लिए किया हुआ है, ये साइड पे भी है, काफ़ी ज़्यादा यार स्पेस बना दिया बंदरों के लिए, बंदर फुल एंजॉय कर रहे हैं अपने, और ये तो सुकून कर रहा है। ले जी हिप्पो को देखें, फुल एंजॉय कर रहा है गर्मी में, हमारे तो गर्मी से पसीनों के सत्यानाश हुए पड़े, लेकिन हिप्पो अपना एंजॉय कर रहा है मज़े से। तो फिर मुंह पानी में डाल दिए। बच्चों को तो ना हिप्पो बड़ा पसंद होता है, लेकिन अब बच्चे तो भी देखे ना मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा खड़े हुए हैं, लेकिन हिप्पो साहब बस पानी के अंदर एंजॉय मार रहे हैं। पाली पाली पाले पाले लंगों वाली मच्छियाँ, ये देखें ब्लैक कलर की, ये गोल्डन कलर की है, ये गेली तो भाग रही है, इंजॉय कर रही है, ओए मेरी तरफ देख रही है। नहीं जी मेरे पीछे आप हिरन चेक कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह के हिरन हमने लोअर सफारी गार्डन में देखे थे ना, वो बहुत ज़बरदस्त यार, हर किस्म के हर नस्ल के थे। यहाँ पे चार नज़र आ रहे हैं, अब नस्ल का तो नहीं मुझे पता, लेकिन सींग बड़े मज़ेदार लंबे लंबे इनके। नहीं जी गेंडा जी वाइट गेंडा माशाल्लाह, ये चेक करो यार इसका, ये तो हमारी तरफ नहीं आ रहा, वो तेरी खैर सिंह कितना बड़ा है इसका, चक्कर लगा रहा है मेरे ख्याल है, बैठ बैठ के थक गया है, थोड़ी वॉक कर रहा है, शायद ऐसे वॉक करने से इसका थोड़ा वज़न हल्का हो जाए। अब हम आ गए हैं तोतों वाले एरिया में, और तोते रंग बिरंगे, ये देखें ग्रे कलर का है, वो ग्रीन कलर का है, आगे बैठा आराम से, बाकी जो दो चार तोते इधर चेक करें, ओए यार ये कैसा रंग बिरंगा है, इसका कलर चेक करें, देखें रेड ब्लू ऑरेंज काफ़ी सारे कलर हैं इसके अंदर ना, चेक करें। और बाकी कुछ तोते इधर भी बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं। ये चेक करें जी माशाल्लाह इन तोतों का सर, चेक करें कितने प्यारे हैं यार। जी प्यारे प्यारे व्यूअर्स देखें, बहुत बच्चे इसके लिए जमा हुए हैं, मेरे पास जो बच्चे खड़े वो तो इसे मजे ला रहे हैं, बियर बियर जैसे बात सुन लेगा, वाह लोगों की तरफ ध्यान दिया हुआ है, ऊपर ऊपर देख रहे हैं लोग, कुछ खिला रहे हैं कुछ, देखें जी डियर भी गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं, खुले में निकले हुए हैं, खाना शाना खा रहे हैं, देखें अच्छा जी इस टाइम हम फूड कोर्ट में आ गए हैं। पहले तो इस जगह पे छोटी छोटी बहुत ज़्यादा शॉप्स होती थी, उन सबको ख़त्म करके इन्होंने एक प्रॉपर अच्छी किस्म की, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं शॉप बन गई है, और हमने खुद बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ से पानी लिया पिया है, और राइट तरफ मेरे देख सकते हैं अभी साथ साथ तमीर हो भी रही है, काम चल भी रहा है, मेरे ख्याल अगले कुछ दो चार महीनों में ये सारे फूड कोर्ट तैयार हो जाएंगे। अगर इमरान भाई इस तरफ दिखाएं तो एक छोटे सा फूड कोर्ट इस तरफ बना हुआ है, इधर है और बाकी उस तरफ बना हुआ है, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन लोगों का बहुत ज़्यादा रश है। ये जी मेरे पीछे भी देखें जगह, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्लेस बनाया है, ये चेक करें ये सीढ़ियाँ हैं, नीचे छोटा स्टेज बनाया हुआ है, कि मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई छोटा सा कोई इवेंट हो जाए, कोई पब्लिक शो हो जाए, कोई म्यूजिक शो हो जाए, तो वो उन्होंने बनाने के लिए बनाया, और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त जगह लग रही है, ये चेक करें ये सीढ़ियाँ नीचे तक जा रही हैं, और वो मगरमच्छ देखें जी पानी के अंदर गुस्सा हुआ था अभी जस्ट बाहर निकला। ले जी ये मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं आपको गली भी दिखाता हूँ, जो चेंज की बात कर रहे हैं तो चेंज इन्होंने क्या किया ये चेक करें, ये इन्होंने माशाल्लाह गली बना दी है, और यहाँ से जो लाइन का व्यू है लाइन को देखने का चाहिए, देखें ना खिड़कियाँ बना दी हैं इस तरफ भी, और आगे चलें तो यहाँ से आप शेर को बड़े ज़्यादा करीबी तरीके से देख सकते हैं, ये देखेंगे सीढ़ियाँ आ गई हैं, मतलब मज़ीद नीचे डीप कर दी है, और साइडों पर खिड़कियाँ बना दी हैं, ये देखें इस तरफ ये खिड़की है, यहाँ से भी नज़र आ रहा है, और अगर ये किसी से देखें इधर से तो बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यार, ये छोटा सा एक फुहारा भी चल रहा है, लेकिन इस समय शेर मौजूद तो नहीं है,
और थोड़ा सा आगे चले मजीद नीचे नीचे जाते जा रहे हैं। ये खिड़की से व्यू मेरा ख्याल बहुत अच्छा है। हाँ ये हुई ना बात, अगर यहाँ अगर लाइन आ जाए तो वो देखे ना, पहले वो वहाँ ऊपर खड़े होकर देखना पड़ता था, अब ये देखे कितना करीब से आप लाइन को देख सकते हैं। लेकिन इस टाइम लाइन है नहीं, मौजूद नहीं। बाकी इस तरफ से ये सीढ़ियाँ बाहर निकल गई हैं और इस तरफ से सीढ़ियाँ पे हम आए हैं। ये रास्ता है जी, टाइगर देखने वालों का रश कर ले। और ये इस तरफ ये सारे केज बने हुए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये सारे केज बने हुए हैं और ये आवाम का रश लगा हुआ है। चल के देखते हैं टाइगर हम भी। और ये देखें जी, पहला वाइट टाइगर, साइज चेक करें टाइगर का, क्या बात है क्या बात है। ये नहीं जी, बच्चों की जो पसंदीदा जगह है वो यही है, लाइन देखना, शेर देखना। मेरे पीछे रश देख लेना, कितना ज्यादा रश लगा हुआ है। लाइन देख लीजिए, एक और देख लें लाइन। लेकिन लाइन जी तो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, थोड़ा सा मौसम भी जरा फिट हो गया इसीलिए इधर रश भी नहीं है, सो रहा है आराम से। ये देखें करीब से दिखाता हूँ, ये आराम कर रहा है टाइगर, उसको भी गर्मी लग गई है। राम भाई जैसे कि हमारा गर्मी से बुरा हाल हो गया, इस तरह शेरों का भी बुरा हाल हुआ बैठा है और वह आराम फरमा रहे हैं। हालांकि चलो शुक्र है थोड़ी सी हवा चली है, सिस्टम ठीक हुआ है। लेकिन शेर आप इमरान भाई अगर दिखाए ना तो बोले कूलर के सामने, कूलर से ठंडी हवा लगी हुई है और मजे से आराम कर रहा है। चेक करें, सुकून से बैठा हुआ है, कोई चिल नहीं। अच्छा आराम करने की एक और भी वजह है ना, अकेला है बेचारा, कोई साथ में साथी है नहीं, कोई दोस्त है नहीं। रेड वाले आगे जो मेन जिसे टाइगर कहते हैं, ये भी बेचारे गर्मी से बेहाल है, आराम से बैठे हुए आराम फरमा रहे हैं। एक इधर आराम फरमा रहा है, मुझे तो लगता पक्का सो ही गया है, और एक इधर सो रहा है। और इसीलिए यहाँ पे रश कम है कि ये टाइगर साहब आराम फरमा रहे हैं, लोग इंजॉय भी नहीं कर रहे। अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा हमारा जो विजिट है ना मुकम्मल हो गया, लेकिन यार गर्मी बहुत ज़्यादा है। शुक्र है कि हल्की फुल्की हवा चली है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है और क्या रश लगा हुआ है। अभी थोड़ी थोड़ी सी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर मेरा ख्याल इन्होंने ना परिंदे रखे हुए हैं, वो चल के देखते हैं। और लाइन वगैरह तो देख ली है, अगले गर्मी के बचा रहे हैं, वो अभी आराम कर रहे थे। ये जी वही जगह जहाँ से मैं अभी आपको टाइगर दिखा के लाया हूँ, लोग खड़े हैं टाइगर्स को देखते हैं। हम ब्लैक टाइगर के पहुंच गए हैं, आपको वाइट टाइगर दिखाया है और ब्राउन ब्लैक लाइनों वाला टाइगर दिखाया। अब ये ब्लैक टाइगर चेक करें, इसके तो अपने ही मजे हैं जी, टापे में पानी डाल के सुकून से एंजॉय कर रहा है, मजे कर रहा है। ओ भाई इधर भी देख, तेन देखने आया। लो जी एक साहब इधर बैठे आराम से खिड़की में ठंडी हवा इंजॉय कर रहे हैं, ब्लैक टाइगर साहब, और एक बैठे टप में इंजॉय कर रहे हैं, पानी चल रहा है, ठंडी हवा चल रही है और इंजॉय हो रहा है। हमारे तरफ तो मुँह देखने देख भी नहीं रहा है, हल्का सा मूड है। ये देखें आहा आहा, वाह बहुत ही कितना ब्यूटीफुल है, कितना खूबसूरत है। ले जी अब टाइम है वीडियो को क्लोज करने का, आज की वीडियो क्लोजिंग जरा बैठ के हो रही है क्योंकि थक थक चल चल के थक गया हूँ और बुरा हाल हो गया। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बीच में थोड़ी सी हवा तो चली गई लेकिन लोगों का उसी तरह रश भी था। अच्छा जी वीडियो और आज का विजिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। चिड़ियाघर की जो रेनोवेशन इन्होंने की है, रेनोवेशन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने अपडेट कर दी हैं। एक दो चीज़ें मैं बता दूं, जैसे मंकी के जो केज हैं वहाँ पे उन्होंने ग्लास लगा दी है, आप बड़े इजीली उनको देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। जो लाइंस के केज हैं उनके अंदर इन्होंने एक गली बना दी है, वहाँ से आप करीब से लाइन को देख सकते हैं। बाकी इस तरह की छोटी मोटी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की है, ओपनिंग चेंज कर दी है, कंटेन एरिया चेंज कर दिया है, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बन गया है और ये मस्ट विजिट प्लेस बन गया है। जिन्होंने पहले देखा हुआ है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपने बच्चों के साथ दोबारा आए और आके देखे और इंशाल्लाह उनको पसंद आएगा। बाकी इंशाल्लाह इस तरह की इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। मेरी वीडियो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरी वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो लाजमी कर लीजिएगा, उससे हमारी भी थोड़ी सपोर्ट हो जाती है। इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।